वी द पीपल, हम भारत के लोग में अब मीडिया पीपल का भी एक कंसेप्ट जुड़ गया है, यानी कि मीडिया के लिए एक अलग से जो वी द पीपल के लोग हैं वो काम करेंगे। मीडिया बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मीडिया बहुत पुराने समय से होता है। जिसके अच्छे काम का प्रचार प्रसार ना हो, उसकी जगह बुरा काम ले लेता है। पुराने ज़माने में तो मीडिया का मतलब, माध्यम का मतलब सिर्फ इतना होता था कि जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचानी है, और जब जानकारी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती थी तो जानकारी जैसी होती थी लगभग वैसी ही पहुंचती थी। पुराने समय में जो मीडिया या जानकारी है वो एक ही प्रकार की होती थी, जानकारी का मतलब जानकारी। मगर आज के समय में जो जानकारी है वो तीन प्रकार की हो गई है, एक जानकारी यानी सही जानकारी, एक गलत जानकारी, और एक हो गई है जानकारी का चुप रहना, यानी कि जानकारी को बताना ही नहीं, ना गलत को बताना है ना सही को बताना है, एक तरह से जानकारी को दफन करना, कब्र में डालना और उस पर कुछ बोलना नहीं, बिल्कुल चुप हो जाना। तीन तरह की आजकल चलती है। तो हम यहाँ एक स्पष्ट ये बात कर दें, क्योंकि सही जानकारी हमारे लोग सब आपस में देते हैं लेते हैं, और गलत जानकारी का जो काम है वो पूरे भारत में बहुत तेज़ी से चल रहा है। जानकारी आप देख रहे हैं कि कितनी झूठी और कितनी गलत आ रही है, पूरा देश इस चक्कर में नुकसान उठा रहा है और हर बच्चा हर आदमी गलत जानकारियों से परेशान है, और जो मीडिया है वो कितनी भूमिका अदा कर रहा है गलत जानकारी को भेजने में और बताने के अंदर। जानकारी को दबाना और भी ज़्यादा है, क्योंकि जानकारी को दबाने में, जानकारी को तोड़ना मोड़ना, जानकारी को मिक्स करना, जानकारी का समय बदलना, यानी कि आप रात के 12 बजे को जानकारी दें और दिन में ना दें, प्राइम टाइम में ना दें, जानकारी की भाषा बदलना, कोई जानकारी आपको नहीं देनी है तो आप उसे इंग्लिश में दे दें, अरबी में दे दें, यहाँ के लोग समझ नहीं पाएंगे, ये बहुत सारे तरीके हैं। या जानकारी को, बड़ी जानकारी को छोटा करके बताना, या जानकारी का रिपीटेशन नहीं करना, कोई अच्छी जानकारी है वो नहीं बतानी है तो एक बार छोटी सी बता दिया फिर उसको रिपीट नहीं करना, ये सारे के सारी चीज़ हैं। या आपके जो टीवी चैनल है या जो आपका रेडियो, उसको डिस्टर्ब करना या उसकी वेवलेंथ बदलना या उसको हैक करना या आपकी वेबसाइट को ख़त्म करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आजकल आपका जो मोबाइल है उस पर आपको ब्लॉक कर दिया जाता है या आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है या सस्पेंड कर दिया जाता है आपका फेसबुक या आपका ट्विटर या आपका यूट्यूब, ये सारे जानकारियों को दबाने का तरीका है। इससे हमें यहाँ इतना ज़्यादा कंसर्न मतलब नहीं है, मतलब हमें इस बात से है कि जो भी मीडिया पीपल वी द पीपल में आगे काम कर रहे हैं या करेंगे पूरे इंडिया से और इंडिया के बाहर से भी, वो इस बात को स्पष्ट रूप से जान लें कि इसके कुछ फिक्स नियम हैं। हमने किसी की भी ट्विटर पे या पोस्ट पे प्रतिक्रिया नहीं देनी है, पहली बार। कोई भी, चाहे बाबा साहब को या ज्योतिबा फुले को या साहू जी महाराज को या गाडगे महाराज को या कबीर जी को या गुरु जी को या वाल्मीकि जी को या बुद्ध को, किसी भी महापुरुष को या किसी लीडर को या किसी बात को हमारे को, अगर कोई गाली बकता है, अनसंट बोलता है, कोई गलत ट्वीट करता है, कोई गलत बात करता है, तो हमें उस पर प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं देनी है, उसको इग्नोर करना है, उसको भाव नहीं देना है, ना उसके बारे में सोचना है, क्योंकि हम बहुत बड़ी ताकत हैं। हम इतनी बड़ी ताकत हैं कि कोई हमारे नाम से अपने आप को बहुत जल्दी फेमस कर लेता है, हमें पता नहीं चलता है। अभी हाल में ही एक लड़की ने कहा कि मैं भंगी जैसी नहीं दिखना चाहती हूँ, हालांकि जो भंगी शब्द है भंग ज्ञान से बना है, बहुत ऊँचा शब्द है, भगवान बुद्ध को भी भंगी कहते हैं और उनको भंग ज्ञान था, मगर जो प्रचलन में अभी गाली के रूप में है, तो हमारे कुछ लोग कहते हैं कि ये एक्ट के अनुसार या जो SC ST एक्ट के अनुसार है ये गाली है या अब्यूज़ है, इसकी पनिशमेंट होगी, और वो भी क्या करते हैं कि अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। दरअसल हम तुमको फेमस करेंगे, तुम हमें फेमस करो, यानी तुमने हमें गाली दी, अब हम प्रतिक्रिया देंगे तो हम भी फेमस होंगे, देखो हमने कोर्ट में ऐसा ऐसा किया, और तुम भी फेमस हो जाओगे, देखो तुमने गाली दी तो हमने तुम्हारे अगेंस्ट में दिया, हो रहा कुछ नहीं है, बाद में सब सेटलमेंट हो जाता है, कोई माफ़ी मांग लेता है, कोई कोर्ट में सेटल कर लेता है, कोई कुछ, बहुत लंबा प्रोसीजर है। मगर हमारे हजारों युवाओं की, जो वो अपना काम करते, जो वो अपने महापुरुष को पढ़ते या अपने चार लोगों को जोड़ते या उनको समझाते, वो डिस्टर्ब हो गए, उनको लगा कि प्रतिक्रिया करने से हमारा काम होता है।
प्रतिक्रिया करने से हमारा काम नहीं होता, प्रतिक्रिया करने से सामने वाले का काम होता है, एनर्जी ऊर्जा उसे मिलती है। कैसे मिलती है इसको समझो। कहीं पर आग लगी हुई है और आग लगने पर आपने क्या किया, प्रतिक्रिया स्वरूप में उसमें पेट्रोल और डाल दिया, तो अब आग और ज़्यादा भड़केगी और बढ़ेगी। आपने आग को ऐसे ही छोड़ दिया, उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी, उस पर पेट्रोल नहीं डाला, तो आग जितनी जलेगी उसके बाद जलते जलते ठंडी हो जाएगी। और आपने अगर आपके पास पानी है और आप अगर पानी उस पर डाल देंगे तो आग पूरी बुझ जाएगी। तो पानी तो यहाँ मिलता नहीं क्योंकि सब लोग यहाँ पेट्रोल लेके घूम रहे हैं, किसी को इतनी समझ है नहीं कि पानी होता क्या है। तो बेहतर है कि आप उसको भूल जाएं, जितना वो जलेगी जल जाएगी, उसके बाद वो शांत हो जाएगी। अगर वो लड़की जो ट्वीट किया जिसने कि मैं भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती, अगर वो हम उसकी ट्वीट को इग्नोर कर देते, उसको देखते भी नहीं, तो वो फेमस नहीं होती और इस शब्द का इतना प्रचार भी नहीं होता। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि उसने क्या कहा क्या नहीं कहा। दरअसल हमने ही सबको बता दिया कि हमको वो गाली दे रही है। तो आप समझें कि प्रतिक्रिया करने से हमारा नुकसान है, जिसके लिए हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं उसका फ़ायदा है। हर हफ्ते हमें कोई ना कोई नई बात, कभी कोई जज कुछ बोल देता है, कभी रिटायर्ड जज कुछ बोल देता है, कभी कोई एक्टर कुछ बोल देता है, कभी कोई कलाकार कुछ बोल देता है, कभी कोई नाचने गाने वाला कुछ बोल देता है, कभी कोई गवैया कुछ बोल देता है, कभी कोई कम पढ़ा लिखा कुछ बोल देता है। ये जितने भी कम जानकार लोग हैं ये कोई सेंटेंस बोलते हैं और हमारे लोग प्रतिक्रिया देने में समझते हैं कि कोई युद्ध जीत गए। दरअसल युद्ध जीत नहीं गए, आप युद्ध हार गए, क्योंकि उसका काम है कि आप उसके बारे में बात करें, उसकी प्रतिक्रिया का जवाब दें और अपने आप को उलझाए रखें और आप संविधान के क्या अधिकार हैं इसके बारे में ना सोचें, अपने लोगों को ना बताएं, आपके लोगों ने संविधान क्या लिखा इसके बारे में आपका ध्यान ना रहे, आप उन्हीं में उलझ रहे हैं। पिछले 7-8-10 साल से यही चल रहा है। हर हफ्ते कोई ना कोई नई चीज़ आती है। अगर आप हिसाब लगाएंगे, ट्विटर उठाएंगे, अगर यूट्यूब उठाएंगे, तो आप हफ्ते दर हफ्ते का निकाल सकते हैं कि पिछले हफ्ते क्या चल रहा था, इस हफ्ते क्या है। ट्विटर पर ट्रेंड चलाते हैं, उसमें उलझे रहते हैं। प्रतिक्रिया देने से हमें फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए जो हमारे वी द पीपल के मीडिया पीपल हैं वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। किसी के प्लेटफार्म पे जाके कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, वाद विवाद नहीं करेंगे। और वो जो पोस्ट खुद करेंगे हमारे मीडिया पीपल, उनकी पोस्ट पे भी अगर कोई लड़ने झगड़ने के लिए आता है तो उसको सीधे सीधे ब्लॉक कर देंगे, उससे कोई जवाब नहीं देंगे। हमें कोई मर्दानगी नहीं दिखानी है बेवकूफ़ लोगों के साथ में कि देखो हमारा ज्ञान ऐसा है, हम तुमको ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। हमारी एनर्जी ही जाएगी। जो 4 लाइन हम टाइप करते हैं या हम जवाब देते हैं आधा घंटा, इससे बेहतर है हम सो जाएं तो अपनी एनर्जी बचा लेंगे। और उससे बेहतर है कि अगर 4 लाइन हम अपने बाबा साहब के संविधान की टाइप करें या कोई महापुरुष की बात टाइप करें, भेजें, या अपने परिवार को हेलो हाय भी भेजें मंगल कामना, तो कम से कम वो एनर्जी हमारी बचेगी। तो ये मीडिया पर्सन के लिए पहली और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। हमारा कोई भी वी द पीपल का आदमी कभी किसी के चंगुल में फंसेगा नहीं। वो तो ढूंढते रहते हैं कि कोई आके हमसे लड़े। हमारे पास लड़ने के लिए, बेवकूफों से लड़ने के लिए कोई समय है नहीं। दूसरी बात कि जो मीडिया पीपल कोई बात आपको शेयर करते हैं या कर रहे हैं, तो वो आपको स्पीड से आगे बढ़ानी है, बहुत स्पीड से आगे बढ़ानी है और लोगों तक फैलानी है, चाहे भले ही वो आपको पसंद है या नहीं है। आप इसे अपना फर्ज और काम समझ के आगे बढ़ाते रहें, इसमें आप आलस ना दिखाएं, क्योंकि प्रचार के माध्यम का जितना इस्तेमाल आप कर सकते हैं उतना करेंगे तो जल्दी ही आप अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा फ्रूट गवर्नमेंट से या भारत में लेके आ सकते हैं। ये बात अच्छी तरह से, पूरी तरह से ध्यान रखें। हमें कुछ शब्दों का इस्तेमाल अपनी मीडिया में बिल्कुल नहीं करना है। हमें अपनी बात कहनी है जो उनके शब्द हैं, उनकी पार्टी का नाम है, उनके नेता का नाम है, या उनके किसी जो मत है उसके उपास्य का नाम है या मत का नाम है, या जिसकी वो कोई पूजा वगैरह करते हैं उसका नाम है, या कोई दूसरा देश है, कोई पाकिस्तान वाकिस्तान का कोई देश है, या कोई दूसरी कम्युनिटी है उसका नाम है, या कोई कास्ट का नाम है, या किसी वर्ण का नाम है। ये ध्यान रखें कि हमें उनके शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि इंटरसेप्टर लगे हुए हैं। अगर आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पोस्ट की रीच खत्म हो जाएगी। वो लोग इन शब्दों को आगे प्रमोट नहीं होने देते, क्योंकि सारे लोगों ने अपने
जितने सॉफ्टवेयर हैं उनमें फिल्टर लगाए हुए हैं, जैसे ही ऐसे शब्द उसमें आते हैं वो फिल्टर कर लेते हैं और वो आपकी रीच खत्म कर देते हैं, आपकी पोस्ट नहीं पहुंचेगी। दूसरा यह है कि उनके बारे में बात करने की हमें आवश्यकता है नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी पोस्ट में अपने महापुरुष बाबा साहब अंबेडकर की जो बातें हैं, ज्योतिबा फुले की जो बातें हैं, बुद्ध की जो बातें हैं, कबीर साहब की बातें हैं, रविदास की बातें हैं, या जो वाल्मीकि जी ने अगर कोई पढ़ाई लिखाई की बात की, अच्छी बात की है तो उसकी बात है, या कोई और महापुरुष हैं उनकी बात है, मतलब जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए जो पॉजिटिव बात है जिससे हमें फ़ायदा होने वाला है, या अपनी कोई ऐसी बात है जो हमें आगे पहुंचानी है उसके बारे में बात करनी है। उनके शब्दों का भूल के भी इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे हमारे लड़के उनसे टकराते हैं, फिर उनको लिखते हैं, उनके जवाब में वो लिखवाते हैं, बेसिकली उकसाते हैं, जैसे कहीं झगड़ा होता है तो उकसाते हैं, फिर वो उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो शिकायत करते हैं कि हमारा तो फेसबुक बैन हो गया, हमारा तो यूट्यूब बैन हो गया, हमारा तो ट्विटर बैन हो गया, हमारा तो व्हाट्सएप बैन हो गया। वो ऑटोमेटिक होता है, आप जब उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है तो वो बैन कर देता है। आप अपनी बात लिखेंगे, झगड़े की बात नहीं लिखेंगे तो आपका बैन नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने और बुद्ध ने और महापुरुषों ने कभी किसी विरोधी का जिक्र नहीं किया। बुद्ध से लड़ने तो बहुत लोग आया करते थे। एक बार एक जो ब्राह्मण था वो लड़ने के लिए आया, उसने कहा कि मेरे सारे बच्चे जो है तेरे पास आ गए, तू उनको सिखा रहा है और तू बड़ा नालायक है, ये है वो है, बड़ी गाली गलौच उसने की बुढ़े ने आके। बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं कहा और वो अपना भुरमुनाता रहा, गाली बकता रहा। बाद में जब वो चला गया तो बुद्ध के शिष्यों ने पूछा कि आपने इतनी सारी गाली बकी, कोई जवाब नहीं दिया, झूठी गाली बक के गया, हमको भी आपने रोक दिया, हम उसको जवाब देते। तो बुद्ध ने कहा कि देखो, मैंने उसकी गाली एक्सेप्ट नहीं की। ठीक ऐसे कि जैसे कोई किसी के दरवाजे पे आता है और कोई गिफ्ट वगैरह लेके आता है और हम उसका गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करते, लेते नहीं हैं, वैसे ही मैंने उसके किसी भी गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैंने उसकी कोई गाली को ग्रहण ही नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो गाली का क्या हुआ। तो शिष्यों ने कहा कि उसी के पास रहीं, तो बोले बस बात ख़त्म हो गई। तो इसलिए कोई भी आदमी कुछ भी कहता रहे, हमें अपना काम करना है, हमें अपने महापुरुषों से सीखना है कि उन्होंने कभी विरोध के अंदर ऊर्जा पैदा नहीं की, ना ही ऊर्जा गवाई है। यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी ओपनली किसी का विरोध नहीं किया और ना ही उन्होंने उसमें ऊर्जा गवाई। वो अपनी किताबें लिखते रहते थे, संगठन बनाते रहते थे, एक राजनीतिक संगठन बना दिया, एक सामाजिक बना दिया, एक वॉलंटियर का समता सैनिक दल बना दिया, एक बुद्धिस्टों का बना दिया, एक उन्होंने जो बुद्ध है उसका दीक्षा करा दिया भारत के अंदर, इतने 2500 साल बाद दीक्षा कराया, इतना बड़ा, पूरी दुनिया ने देखा उसको। उन्होंने अपनी राइटिंग्स लिखी, कितनी सारी किताबें लिखी, अपनी फिलॉसफी लिखी, वो फिलॉसफी जो दुनिया में नंबर वन चलती है, कार्ल मार्क्स से भी 6 गुना ज़्यादा अच्छी वो फिलॉसफी मानी जाती है पूरी दुनिया में, जिससे हम आज की डेट में बात कर रहे हैं और यहाँ एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। वही काम हमारा जो मीडिया पर्सन है या जो मीडिया के लोग हैं, मीडिया पीपल हैं, वही काम करेंगे। क्योंकि अगर आप एनर्जी कहीं और लगाएंगे, ऊर्जा कहीं और लगाएंगे, विरोध में जाएंगे तो होगा क्या। अगर आप विरोध में जाते हैं तो वो लोग FIR कर देंगे। जब वो FIR कर देंगे तो वो FIR झूठी है या सच्ची है ये तो बात की बात है, मगर FIR होगी तो अरेस्टिंग होगी। अरेस्टिंग होगी तो हमारे जो वकील हैं, जो लोग हैं, वो अपना सारा काम छोड़ के जमानत में या इसमें लग जाएंगे। अगर वो आपकी जमानत कराते हैं, इसमें लगते हैं, तो उनके सारे काम रुक जाएंगे, बदनामी होगी, अलग होगी। और अगर वो आपकी जमानत नहीं कराते हैं और आपको ऐसा ही छोड़ देते हैं क्योंकि आपने मिस्टेक की है, गलती की है, तो क्या होगा कि जो वीदा पीपल के बाकी लोग हैं वो निराश हो जाएंगे, लड़के निराश हो जाएंगे कि देखो हमारा साथी जेल में बंद है, FIR हो गई है और ये कुछ करते नहीं। तो आप समझदारी से काम लें, बेवकूफ़ी से काम डालें, पूरे वीदा पीपल को खतरे में ना डालें। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करने वाले हैं जो संविधान से परे है या जो संविधान से हटके है। अगर सरकार कहती है कि ये है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छा काम करने के लिए दुनिया में कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप विचार फैलाइए, दुनिया में विचार रुक नहीं सकता। कितना ही बड़ा तानाशाही आ जाए आज की डेट में, मीडिया इतना ज़्यादा है कि आप तानाशाही नहीं चल सकती। मीडिया लगातार लगातार लिबरल होता जा रहा है। अभी कंपनियों में वॉर होने वाला है, यूट्यूब के अगेंस्ट में एक कंपनी और आने वाली है, व्हाट्सएप के अगेंस्ट में एक कंपनी और आने वाली है, गूगल के अगेंस्ट में एक कंपनी और आने वाली है, फेसबुक के अगेंस्ट में एक कंपनी और आने वाली है। चाइना की तो अभी एंट्री नहीं हुई है क्योंकि चाइना अपना इंडिविजुअल चलाता है। तो ये सब ऐप आने वाले हैं, इनको रोका जाएगा, तोड़ा जाएगा, फोड़ा जाएगा, मगर अल्टीमेटली कंपनियों का दबाव रहेगा। उनको अपना नेट पैक बेचना है और नेट पैक उनका तभी बिकेगा जब लिबर्टी होगी लोगों को अपनी बात कहने की, वीडियोस बनाने की, ये सारे काम करने की। वैसे भी अब देश जागरूक है, अब किसी इसमें फंसने वाला है नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। इसलिए
जो वी द पीपल का जो मीडिया पीपल हैं वो इस वीडियो को ध्यान से रखें, और जब भी किसी नए व्यक्ति को वी द पीपल मीडिया ग्रुप में जोड़ें, मीडिया पीपल में जोड़ें, उसको ये वीडियो जरूर दिखा दें। इसके अलावा और भी जो सेफ्टी सिक्योरिटी है वो अपनी वीडियो बना के ऐड करते रहें। धन्यवाद।